में कोरोना की दूसरी लहर में सभी सिनेमाघर और मॉल्स के साथ पार्कों को बंद किया गया था, लेकिन इन सभी को अब कोरोना नियमों और शर्तों के साथ खोल दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में घनघोर तबाही मचाई और बढ़ते संक्रमण को देख यूपी में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित होते हुई धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। और अब टीम 9 की बैठक में अधिकारियों ने मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 5 जुलाई से खोलने के निर्देश दे दिए। यूपी में एंटरटेनमेंट अनलॉक, खुले जिम, सिनेमाघर और स्टेडियम, मिली छूट पर जारी रहेंगे कोरोना नियम, शर्तों के साथ पटरी पर जिंदगी। उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल के मैदान खोल दिए गए। जिम और खेल के मैदान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खोले जाएंगे। हालांकि खिलाड़ी टाइमिंग्स को लेकर थोड़े खफा जरूर है। ट्रेनिंग 3 महीने से नहीं हो रही थी, अब फील्ड वगैरह खुल गए, अब धीरे धीरे ट्रेनिंग लाइन पाएगी, तब जाके प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे करके। जो जिम वगैरह भी खुले हैं तो उससे आपको फिजिकल फिट रहने में भी आसानी रहेगी? हाँ, अब जिम वगैरह खुल गए हैं, उससे फिजिकल भी फिट भी रहेंगे, जिम भी करेंगे, धीरे धीरे ट्रेनिंग भी लाइन पाएगी, सब चीज लाइन पाएगी धीरे धीरे। सरकार ने प्रतिबंधों के साथ सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को खोला है, इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में आज से सिनेमा खुल जाएंगे, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे, इसके अलावा जिम और खेल के जो मैदान हैं उनको भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। करीब 80 दिन के अंतराल के बाद ये एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के सिनेमा घरों और जिम की, जिन्हें कोविड प्रोटोकॉल के साथ एक बार फिर खोल दिया गया है। नियमों का पालन करते हुए जिम, सिनेमा घर और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें 50% क्षमता के साथ सिनेमा घरों को खोला जाएगा, लेकिन स्विमिंग पूल पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। कुछ समय बाद लखनऊ में जिम और तमाम चीजें एक बार फिर से खुल गई हैं। हाँ, लोगों का आना भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम गोमती नगर के एक जिम में मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लंबे समय तक बंद रहा, लगभग 2.5 महीने तक ये जिम बंद रहा, और आज सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से इस जिम को दोबारा से खोला गया है। तो वही कानपुर में भी कोविड गाइडलाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स और मॉल्स को खोल दिया है। हालांकि हमेशा के मुकाबले मॉल के अंदर थोड़ा सन्नाटा पसरा दिखा। आज लंबे समय के बाद में शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोल दिया गया है। सरकारी आदेशों में इनको जो है कुछ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के तहत जो है इनको छूट दी गई है और जो है ये मॉल खोल दिए गए हैं। नोएडा में आज से सिनेमा घर और जिम खुल गए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। सभी का कोविड नियमों का पालन करते हुए संचालन होगा, लेकिन स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोला जाए। बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू अभी भी प्रदेश में भी मॉल के अंदर एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं खोला गया, तो वही सुबह के वक्त जिम जो है वो जारी रहेगा, स्टेडियम जो खेल प्रेमी वहां पर आते हैं वो आ सकते हैं, जो सैर करने आते हैं वो आ सकते हैं, जिम में बाकायदा वही लोग जा सकते हैं जिनको वैक्सीन की 2 डोज वो ले चुके हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर सिनेमा घर, जिम, पार्क और स्टेडियम खोल दिए गए, लेकिन सभी जगहों पर मास्क पहनना और कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।